इस वीडियो में बेटा हम लोग अमाशय की जो ओतकी है यानी उसके टीएस की या अनुप्रस्थ काट की जो संरचना है या आंतरिक संरचना बोलेंगे अमाशय की भित्ति की वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में पढ़ा रही थी बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से जो कंप्यूटर है वो शटडाउन हो गया हम लोगों का, तो इसीलिए अभी हम लोग उसको वापस कंटिन्यू करेंगे। ओतकी के अंदर हम आंतरिक भित्ति की जो बात करते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि भित्ति की आंतरिक संरचना को समझाइए, ओतिकी को समझाइए या टीएस का वर्णन या अनुप्रस्थ काट का वर्णन कीजिए, तो आपको करना है। अभी देखो जो अमाशय होता है उसके जो अगर हम काटते हैं तो चार स्तर हमको देखने को मिलते हैं, बाहर वाला सीरोसा, फिर पेशीय स्तर, फिर अंधश्लेष्मिका और चौथा अंदर ही अंदर होता है श्लेष्मिका स्तर, है ना। तो अभी देखो सीरोसा जो होता है, मैं बता रही थी इसको कि पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है। क्या होता है पेरिटोनियम झिल्ली? ये हमारी देह भित्ति है, मतलब वॉल है। अब इसके अंदर आपकी पसलियां, जो हृदय वगैरह जितने भी ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो देह भित्ति होती है ना, ये बाहर वाली भित्ति जो इन सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर समाये हुए हैं, तो इस देह भित्ति की सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो होती है क्या? पेरिटोनियम। तो ये जो हमारा अमाशय है उसकी जो झिल्ली है बाह्य सीरोसा वो किसकी बनी हुई है? इसी पेरिटोनियम की बनी हुई है। फिर है पेशीय स्तर। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रास नाल पड़ी थी उसकी पेशीय स्तर हम लोगों ने देखा था, पेशीय स्तर जो है दो से बना हुआ था, अनुलंब और वर्तुल, है ना। उसमें पेशियां, अनुलंब में पेशियां कैसे अरेंज थी? इस तरह से सीधी, है ना, वर्तुल में ऐसे गोलाकार। तीसरी पेशी और जुड़ गई है, ध्यान रखना इट्स इम्पोर्टेंट कि इसमें एक एक्स्ट्रा होती है ग्रास नाल के कंपेरिज में। ग्रास नाल में तो दो ही थी, यहाँ पर तीसरी आ गई जो कि है तिरछी पेशी स्तर। पेशियां किस तरह से अरेंज होती है? तिरछे रूप में होती है, समझ आ गया। फिर आता है हमारा तीसरा अंधश्लेष्मिका, ये वो इस तरह योजी ऊतक का बना हुआ है। उसके बाद इसमें वाहिनिया, लसिका वाहिनी, तंत्रिका तंतु जो है वो पाए जाते हैं, सेम आ गया। फिर आता है श्लेष्मिका स्तर, सबसे अंदर वाला और अमाशय में सबसे बड़ा कहेंगे हम जो विकसित जो स्तर है वो श्लेष्मिका स्तर होता है। किसका बना होता है? स्तंभाकार श्लेष्मा उपकला से बना हुआ होता है। श्लेष्मा उपकला क्या करेगी? श्लेष्मा का स्रवण करेगी। वी नो दैट कि अमाशय जो होता है हमारा, इस अमाशय के अंदर जो है जठर रस जो होता है वो भोजन का पाचन करता है। 10th में पढ़ा है, इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है। और अम्ल क्या करता है बेटा? एसिडिक होता है। एसिड क्या करता है? चीजों को जला देता है। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मात्रा किसकी बढ़ जाएगी? HCl की। और उस HCl की वजह से क्या हो सकता है? ये भित्ति खुद अपने आप नष्ट हो सकती है, इसमें छाले पड़ सकते हैं, है ना। तो उसी से बचाने का काम कौन करता है? ये जो श्लेष्मा होती है ना वो करती है। आई बात समझ में? तो बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल है श्लेष्मा का। और श्लेष्मिका स्तर के अंदर उपस्थित श्लेष्मिका कोशिकाएं जो होती है, जिन्हें मैंने कहा था ग्लोबलेट सेल्स, वो इसका क्या करती है? निर्माण करती है। प्लस इसके अंदर श्लेष्मिका स्तर में कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको हम देखते हैं। वो जठर ग्रंथियों के स्पेसिफिक कुछ काम होते हैं जो कि कुछ कुछ जो होती है वो एंजाइम रिलीज करती है, कुछ जो होती है वो क्या करती है? श्लेष्मा का स्रवण करती है। तो इसको हम देखते हैं। अभी हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, श्लेष्मिका स्तर में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों के बारे में। तो चलो उसको देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, ध्यान रखना। ये जो ग्रंथियां पाई जाती है वो कौन से हिस्से में पाई जाती है? जो सबसे अंदर वाला स्तर है वो श्लेष्मा स्तर है ना। उस श्लेष्मा स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है मिलकर ग्रंथियों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो देखो अभी हम लोगों ने अमाशय के चार पार्ट देखे थे बेटा, कौन कौन से थे? आगे वाला जठर आगम, फिर ये उभरा हुआ हिस्सा ऐसे, फिर ये क्या कहलाता है? फंडिस। और जो मेन बॉडी पार्ट बनाता है वो काय। और लास्ट में आपका यहां वाला हिस्सा,
ये फंडिस हो गया, ये काय हो गया, और ये जठर निर्गम। ठीक है, अब इन चारों भागों की जो श्लेष्मा स्तर है उनके अंदर अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती है और अलग अलग काम करते हैं। सबसे इन सबकी मतलब चारों की अंदर वाली लेयर की बात कर रही हूं मैं, कि इनकी जो श्लेष्मा स्तर होती है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखो सबसे पहला हिस्सा बेटा जठर आगम, जठर आगम को कार्डिक भाग भी कहते हैं। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो किसका श्रवण करेगी? श्लेष्मा का, जिससे क्या होगा? एचसीएल का प्रभाव कम होगा। ठीक है, उसके बाद जठर निर्गमी होती है, वो भी क्या करती है? श्लेष्मा का श्रवण करती है, ये भी हमारे श्लेष्मा का श्रवण कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फंडिस का है। फंडिस वाले भाग में मतलब यहाँ वाले भाग के जो श्लेष्मिका स्तर है वहां जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें कौन कौन सी जो कोशिकाएं पाई जाती है देखो, ऑक्सीटोनिक कोशिका, जाइमोजन कोशिका, अजेंटापिन कोशिका और श्लेष्मा कोशिका। ये चारों ही कोशिका क्या होती है? वो फंडस भाग जो होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, इस फंडस भाग की अधश्लेष्मिका स्तर के अंदर मतलब ये जो कोशिकाएं आपको देख रही है वो ना, इन कोशिका में अर्जेंटाफिन भी मिलेगी, इसके अंदर आपको जाइमोजन कोशिका भी मिलेगी, इसके अंदर जो है आपको ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं भी मिलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग कोशिकाओं का समूह इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं जो होती है उनका क्या काम होता है ना? ध्यान से देखना, ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं एचसीएल निर्माण करती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, समझ आ रहा है? जाइमोजन कोशिकाएं प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो होते हैं एंजाइम निर्माण करते हैं, और ये एंजाइम जो है वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये कोशिका जो बनाती है जाइमोजन कोशिका, वो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो होता है चीफ कोशिकाएं जो है वो भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो चीफ कोशिकाएं या जाइमोजन जो कोशिकाएं होती है वो निष्क्रिय एंजाइम बनाती है जिनके नाम है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। ये एचसीएल जो है इनके साथ मिलकर क्या करता है? प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। बात समझ में आ रही है? ये इन हार्मोन की सक्रिय फॉर्म है। एचसीएल प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देगा और एचसीएल पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देगा। आ रही बात समझ में? फिर ये प्रोटीन का पाचन का काम करेंगे, पर ध्यान रखना ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो है वो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जिनको जाइमोजन जो होती है चीफ कोशिकाएं या शेप कोशिकाएं हम कहते हैं वो सीक्रेट करती है। फिर नेक्स्ट कोशिकाएं जो होती है वो हमारी है अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। ये दो जो है चीजों को सीक्रेट करती है, एक तो सेरेटोनिन हार्मोन। सेरेटोनिन हार्मोन जो है वो पाचन का काम करता है, यानी पाचन की क्रिया को होने में मदद करता है। फिर आता है गैस्ट्रिक अम्ल। गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है इस श्लेष्मा के अंदर स्पेसिफिक कोशिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक सेल्स या जी सेल्स। ठीक है, तो इनके द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल जो है वो रिलीज किया जाता है और ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। फिर और होती है श्लेष्मिका कोशिका, जो सिंपल सी बात है किसका श्रवण करेगी? श्लेष्मा का श्रवण करेगी। श्लेष्मा मालूम है ना, नाक में जैसे तरल होता है चिपचिपा, वैसा तरल होता है। अभी यहाँ पर हमारा देखो ये एचसीएल जो है, ये एचसीएल हो गया, ये प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, जो ग्रेस्टिक अम्ल, ये सब मिलकर जठर रस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आ रही बात समझ में? किसका निर्माण करते हैं? जठर रस का, जो कि क्या करता है? पाचन की क्रिया करता है। और यहाँ पर जो अमाशय के अंदर मेनली जो पाचन होता है वो प्रोटीन का होता है और वसा का होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये दो चीजों का पाचन होता है। तो यहाँ पर ये एचसीएल हो गया, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, ये जो ग्रेस्टिक अम्ल हो गया, ये सब चीजें मिलकर किसका निर्माण कर रही है? जठर रस का या अमाशयी रस का, क्योंकि अमाशय में बन रहा है तो अमाशय रस कहा जाता है इसका। फिर उसके बाद है ये जो अमाशय रस होता है ये जो है किसका पाचन कर रहा है? हमारा प्रोटीन का पाचन कर रहा है और वसा का पाचन कर रहा है। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच का, तो 1.4 के लगाकर 1.8, यानी अम्लीय जो पीएच होता है, 1.4 भी नहीं इसको बोलेंगे, 1.2, 1.8 तक होता है, तो अम्लीय पीएच होता है। किसकी वजह से होगा? क्योंकि अम्ल है इसके अंदर, एचसीएल उपस्थित है तो अम्लीय होता है। लेकिन इस अम्ल की जो कंटेंसिटी होती है या प्रभाव है उसको ये श्लेष्मा जो है वो कम कर देती है।
समझ में आ गया। तो श्लेष्मा हो गया, एंजाइम हो गया, वसा का पाचन जो होता है लाइपेज के द्वारा होता है, तो लाइपेज भी इसके अंदर पाया जाता है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम। अगर मैं बोलूं कि जठर रस किससे बना है, तो पीएच है इसका 1.2 से 1.8 अम्लीय पीएच है, ठीक है। उसके बाद है एचसीएल मिलेगा, उसके बाद है गैस्ट्रिक अम्ल जो है वो मिलेगा, फिर आपके प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है वो मिलेगी, कौन से प्रोरेनिन बच्चों में, और पेप्सिनोजन होगा, प्लस वसा का जो पाचक एंजाइम होता है लाइपेज वो पाया जाता है। इसके बाद इसको ध्यान रखना, गैस्ट्रिक अम्ल को गैस्ट्रिक जूस भी दिया रहता है कहीं पे, तो दैट समझ जाना। तो गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक जूस, या हम बोले प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा का पाचन करने वाले लाइपेज एंजाइम, है ना। तो ये सारी चीजें जो मिलकर है वो जठर रस का क्या करती है, निर्माण करती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जठर रस में उपस्थित एचसीएल के काम बताइए। तो एचसीएल के कामों को बेटा हम फटाफट देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो एचसीएल के काम, एचसीएल क्या है, अम्ल। तो भोजन के पीएच को कैसे करेगा, अम्लीय बनाता है। भोजन का पीएच क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाना। अब अम्ल है तो भोजन में आने वाले कीटाणु इससे क्या हो जाते हैं, नष्ट, तो हमें रोगों से बचा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाइमोजन जो कोशिकाएं हैं वो कौन से एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम दिखा रही है, तो प्रोरेनिन दे रहा है, और दूसरा कौन सा है, प्रोपेप्सिनोजन। प्रोपेप्सिनोजन है ना। तो इसको ये एचसीएल क्या करेगा, इसको तो बदल देगा रेनिन में, ये बच्चों में पाया जाने वाला है, और ये बन जाएगा पेप्सिन, ठीक है। किसको पचाएगी, ये तो दूध में उपस्थित प्रोटीन, और ये प्रोटीन को पचाने का क्या करता है, काम करता है। आ रही बात समझ में। तो ये जो है काम हो गए किसके, एचसीएल के काम हो गए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, दो टर्म आते हैं, एक तो आता है बॉलस और एक होता है काइम। मुख में भोजन जो होता है कटा हुआ, दांतों से भोजन जो काटा जाता है, कटा हुआ भोजन होता है, उसमें क्या मिक्स हो जाती है, लार। तब जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, बोलस, ठीक है। इसको ग्रास नाल कहाँ लाएगी, आमाशय में। कहाँ लाएगी, आमाशय में। मुख में दांतों के द्वारा काटा हुआ भोजन जिसमें लार मिक्स हो जाए वो भोजन क्या कहलाएगा, बोलस, ठीक है। उसको ग्रास नाल जो है वो कहाँ लेके आएगी, आमाशय। आमाशय में इसको काइम में बदल दिया जाता है, मतलब ये जो बोलस आया है इसके अंदर जब भोजन, आमाशय जब इसको पचाता है, ठीक है, और एकदम लुगदी जैसा बना देता है इसके अम्ल के कारण, है ना। तो भोजन जो है वो क्या कहलाता है, काइम। समझ में आ रहा है, ये दोनों टर्म ध्यान रखना कि काइम क्या है और बोलस। दांतों द्वारा पचाया हुआ भोजन जिसमें लार मिक्स हो वो बोलस कहलाती है। ये बोलस निगलने के बाद कहाँ जाती है, ग्रसनी, ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नाल, और ग्रास नाल में जाने के बाद आमाशय। आमाशय के अंदर उपस्थित जो जठर रस होता है, जठर रस क्या कर देता है, इसको भोजन को पचाकर लुगदी जैसे, मतलब बिल्कुल तरल सा बना देता है, और इसको हम काइम कहते हैं। तो ये भोजन है, तो ये यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट होता है आमाशय। और आमाशय के बाद हम पढ़ेंगे आंत। आंत में पहले आएगा छोटी आंत और फिर आएगा बड़ी आंत।